बसम्स अल्लाम पे कमल एपिसोड ट्वेंटी सिक्स स्टोरी शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेल का आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे वह सब लोग गुफ्तु में मसरूफ़ थे इस गुफ्त में इसकी खामोशी को जिब्राह वक्ता फक्ता एक सवाल से तोड़ता वह जैसे इस बोियत को और इस बोरीत को बचाने की कोशिश कर रहा था और ये चीज़ आयशा ने, आयशा ने महसूस की थी वह जिन टीन एज़ को जानती थी वह और तरह के थे और ये और तरह का था खाना आने पर वह इसी तरह गुफ्तु में मसरू खुद खाने के साथ साथ आयशा को भी सर्वे करता रहा यूँ जैसे वो रूटीन में यह सब करने का आदी रहा हो मोहम्मद जब्राइल सिकंदर से, से होने वाली वह पहली मुलाकात और इसमें होने वाली एक चीज़ आशा आबेदीन के जहन और दिल दोनों पर नक्श हो गई थी जिस भी लड़की का यह नसीब होगा वह बेहद खुशकस्मत होगी इसने सोचा था काश यह ही को मिल जाए इसने बेहद दिल से ख्वाहिश और दुआ की थी और इस उम्र में भी इसने अपनी ज़िंदगी के हवाले से कुछ भी सोचना शुरू नहीं किया था अगर कोई तो जबरील आखिर कोई तो जब्राइल अगर करती तो जिब्राइल वो पहला लड़का होता जिस जैसे शहज की ख्वाहिश वह अपने लिए भी करती जिब्राइल ने इसके अलावा शार को इससे पहली मुलाकात में इस तरह असंदास किया था मैं तो हमारे लिए बहुत दुआ करती रही हूँ नसाह तुम्हारी शादी ज़िब्राइल से हो हो जाए जब जा भी वो बहुत अच्छा है जब भी हो वो बहुत अच्छा है इस कैफ़े से घर वापस आने के बाद आयशा ने नसाह से कहा था और वह जवाबन हंसी थी खैर अभी शादी वगैरह का तो कोई सीन नहीं हो सकता हम दोनों के लिए वो बहुत आ, मुझे अपना कैरियर बनाना है लेकिन मुझे वो बहुत पसंद है और वो यंग भी है अगर कभी भी इसने मुझसे कुछ कहा तो मैं इनकार नहीं करूँगी कौन इनकार सकता है कर सकता है जबराइल को अपने बेडरूम में कपड़े तब्दील करने के लिए निकालते हुए निशान इससे कहा इसके माँ बाप ने बहुत अच्छी तरबियत की है इसकी तुमने देखा वो किस ना, किस तरह तुम्हें तोजह दे रहा था मुझे याद नहीं मैं कभी अपने साथ कोई ए, कोई आ, अपने साथ कोई वो कहती अटेंशन लेकर गई हूँ और जब्राहिल ने इसी तरह चली गई आयशा का दिल अजीब अंदाज में बुझा तो वो तो सब ही के लिए होती है इसने कुछ मायूसी सोचा फेयर थी और आदत थी इनफ़ तुम्हें तो पता है मुझे क्यों अच्छा लगता है वो निसार से कह रही थी कभी तुम उसकी तलावत तलावा सुनना वो आपसे कुरान है बेहद आ, लेकिन इतना मज़बीबी होने के बावजूद वो बहुत डिबलर है तंग नज़र नहीं है ना ही इसको मैंने न्यू बॉर्न मुस्लिम जैसे बहुत सारे पाया है मुझे नहीं याद कभी जडजमेंटल कभी दूसरों के हवाले से इसने मेरे या किसी और फीमेल क्लास फेलो के लबास के हवाले से कुछ कहा हो या वैसे किसी के बारे में निशा कहती जा रही थी लेबुलबास के मामले में खास सी मॉडर्न थी आ, और इसे ये कबूल काबिल कबूल नहीं हो सकता था कि कोई इस पर इस हवाले से कोई कदगन लगाता और इब्राहिल में इसे ये खूबी भी नज़र आने लगी थी आयशा बिल्कुल किसी शहर जिदा मामूल की तरह यह सब सुन रही थी निशा के इनके ने जैसे आयशा के लिए इसकी ज़िंदगी के आइडिया लाइफ पार्टनर की चेक लिस्ट में मौजूद मौजूद एंट्रीज़ की तदाद भरार दी थी इस बात आयशा अबदी ने बड़ी हिम्मत करके जिब्राइल को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी और वो ऐड थी और फिर कई घंटे वो इस इंतज़ार में रही कि वो कब इस, इस कब इसे इस फजर के वक़्त नमाज के लिए उठती थी और इस वक्त नमाज़ पढ़ने के बाद इसने ने एक बार फिर फेसबुक चेक किया था और ख़ुशी की एक अजीब लहर इसके दौड़ चुकी थी जो पहली चीज़ आयशा ने, ने आयशा ने एड अंदर से गुजारी थी वो थी वो इसकी तस्वीरों में से इसकी फैमिली की तस्वीरों की तलाश थी और इसे नाकामी नहीं हुई थी इसके अकाउंट में इसकी फैमिली की बहुत सारी तस्वीरें थी सलार सिकंदर की हजाब में मलबूस हमामा की और इसकी टीन एज बहन अनाया की हमैन की और रईसा की जब्राइल के अंकल्स और कजन की जो इनकी फैमिली के बरक्स बेहद मॉडर्न नज़र आ रहे थे लेकिन इन सब अजीब सब में अजीब हम आहंगी नजर आ रही थी वो जब्रायल सिकंदर से दोस्ती करना चाहती थी लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाती थी लेकिन वो और इसकी फैमिली कदम जैसे इसके लिए एक आइडियल फैमिली की शक्ल एख्तियार कर गए थे ऐसी फैमिली जिसका वो हिस्सा बनना चाहती थी वो इस फैमिली का हिस्सा नहीं बन सकती थी लेकिन आया अबिदीन को अहसन साद और इसकी फैमिली से पहली बार मुतारफ होकर भी ऐसा लगता था कि वह जब्रायल सिकंदर जैसा ख़ानदान था और अहसन साद ज़ब्रायल सिकंदर जैसा मर्द काबिल काबल बामल मुसलमान हाफ कुरान ईबिदीन जब्रायल सिकंदर के धोखे में ऐसा संसार को अपनाने का फैसला किया था इस किताब का पहला बाब अगले नौ अबाब से मुख्तफ था इसे पढ़ने वाला कोई भी शख्स ये फ़र्क महसूस किए बगैर नहीं जा सकता था कि पहला बाप और अगले नौ अबाब एक शख्स के लिखे हुए नहीं लग रहे थे वो एक शख्स लिखे थे भी नहीं वो जानती थी वो इस ज़िंदगी की पहली बद दे थी लेकिन ये नहीं जानती थी कि वही आखिरी भी होगी इस किताब का पहला बाप इसके अलावा अब और कोई नहीं पढ़ सकता इसने पहला बाप बदल दिया था तुम आंखों के साथ इसने नम आँखों के साथ इसने प्रिंट कमांड दी और प्रिंटर बर्फ़ रफ्तार से पचास सफ़े निकालने लगे जो इस किताब का तरमीम शुदा पहला बाब था इसने टेबल पर पड़ी डिस्क उठाई और बेहद थके हुए अंदाज में इस पर एक नज़र डाली फिर इसने इसे दो टुकड़ों में तोड़ डाला फिर चंद और टुकड़े अपनी हथेली पर पड़े इन टुकड़ों को एक नज़र देखने के बाद इसने इन्हें डस्टबिन में फेंक दिया डस्ट का कवर उठाकर इसने जेर लब इस पर लिखे चंद लफ्जों को पढ़ा फिर चंद लम्हे पहले लैपटॉप से निकाली हुई डेस्क इसने ए, इस कवर में डाली थी प्रिंटर तब तक अपना काम कमल कर चुका था इसने ट्रे में इनसे इन, इन सफहात को निकाल दिया बड़ी एहतियात के साथ इसने इन्हें एक फ़ाइल कवर में रख कर इन्हें दूसरी फाइल कवर इसके साथ रख दिया जिनमें से इस किताब के बाकी नौ अब थे एक गहरा सांस लेते हुए उठ खड़ी हुई थी खड़े होकर वो इसने एक आखिरी नज़र इस लैपटॉप के मदम पड़ती स्क्रीन पर डाली थी आई विल बी राइटिंग स्क्रीन तारीख होने से पहले इस पर एक तहरीर उभरी थी राइटिंग इसकी आंखों में ठहरी थी नमी यकदम छलक पड़ी थी वो मुस्करा दी स्क्रीन अब तरीक होने लगी थी इसने पल कर एक नज़र कैमरे को देखा फिर बेड की तरफ चली गई एक अजीब सी थकन इसके वजूद पर छाने लगी थी इसके बावजूद इसके वजूद पर हर या हर चीज़ पर बेड पर बैठकर चंद्र में उसने बेड साइड टेबल पर पड़ी चीज़ों पर नज़र डाली थी वो पता नहीं कब वहाँ अपने राष्ट्रवाद छोड़ गया था शायद रात को जब वो वहाँ था वो वजू करने गया था फिर शायद इसे याद ही नहीं रहा था वह राष्ट्रवाज उठाकर इसे देखने लगी सेकंड्स की सुई कभी नहीं रुकती सिर्फ मिनट और घंटे हैं जो रुकते हुए नज़र आते हैं सफ़र ख़त्म होता है सफ़र शुरू हो जाता है बहुत देर तक इस गड़ी पर उंगलियाँ फेरती वजह से इसके लमस को मैं खोजती रही वह लमस वहाँ नहीं था इसके घर की वहाद गड़ी थी जिसका टाइम बिल्कुल ठीक होता था सिर्फ मिनट नहीं सेकंड्स तक कामली इस घड़ी में नहीं थी शहस के वजूद में थी जिसके हाथ पर वह होती थी इसने आंखों की नमी साफ़ करते हुए इस घड़ी को दोबारा साइड टेबल पर रख दिया कंबल अपने ऊपर खींचते हुए वह बिस्तर पर लेट गई इसने लाइट बंद की नहीं की थी इस दरवाजे भी मुकफ़ल नहीं किया था वह इसका इंतज़ार कर रही थी बाज़ दफ़ा इंतज़ार बहुत लंबा होता है बाज़ दफ़ा इंतज़ार बहुत मुखसर होता है इसकी आंखों में नींद उतरने लगी वही इसे नींद समझ रही थी हमेशा की तरह आयतल कुर्सी का वृद्ध करते हुए वह इससे चारों तरफ फूंक रही थी जब इसे वो याद आया इस वक्त वहाँ होता तो इससे आयतल कुर्सी अपने ऊपर फूंकने की फरमाइश करता बेड साइड टेबल पर बड़े एक फोटोक्राइम फ्रेम को उठाकर इसने बड़ी नरमी के साथ इस पर फूंक मारी फिर फ्रेम के शीशे पर जिससे किसी नज़र ना आने वाली गर्द को अपनी उंगलियों से साफ किया जान जलम है तक वो फ्रेम में इसके एक चेहरे को देखती रही फिर इसने इसको दोबारा सर टेबल पर रख दिया सब कुछ जैसे एक बार फिर से याद आने लगा था इसके वजूद एक बार फिर से रेत बनने लगा था आंखों में एक बार फिर से नमी आने लगी थी इसने आंखें बंद कर ली आज से बहुत देर हो गई थी मामा ने बड़बड़ा कर आँखें खोली थी कमरे में नीम तरीके की सलार उसके बराबर में सोया रहा था उसने वाल कलाक पर नज़र डाली रात का आखिरी पहर था उठ कर बैठ गई अजीब ख्वाब था वो किसका इंतजार कर रही थी उस ख्वाब में इसे ख्वाब में भी समझ नहीं आया था किताब के वह दस वब सलार के थे वो किताब सलार ही लिख रहा था और अभी तक उसके नौ ववाब लिखे जा चुके थे दसवां नहीं वड़ी भी सलार की थी वह सलार ने हमैन की पिछली बर्थडे पर इसकी ज़िद्द और इसरार पर इसे दी थी और अब वह घड़ी हम बांधता था और इसने ख्वाब में अपने आप को बूढ़ा देखा था और इसका मुस्कबिल था वो किसी को याद कर रही थी किसी के लिए उदास थी मगर किसके लिए और वह किसका इंतज़ार कर रही थी कोई नहीं आ रहा था मगर कौन और फिर वह तहरीर को दोहरा रही थी एक एक डिटेल वो ख्वाब की एक एक रॉटिंग जुजियात को दोहरा सकती थी वो बिस्तर से उठ गई बेहद बेचैनी के आलम में उसकी पैकिंग मुकम्मल हो चुकी थी वो इस घर में आने की आखिरी रात थी इसके बाद वह साहब के साथ पाकिस्तान जाने वाली थी इसलार और जिब्राइल को वहीं रह जाना था एक बार फिर से उसका घर ख़त्म हो जाना था या जैसे इसकी ज़िंदगी का एक पैटर्न बन गया था घर बनना घर ख़त्म होना फिर बनना फिर ख़त्म होना एक अजीब हिजरत थी जो ख़त्म ही नहीं होती थी इस हिजरत में अपने घर की वो ख्वाहिश और ये ख्वाब पता नहीं कहाँ चला गया था उस रात उस ख्वाब से जागने के बाद भी बहुत उदास थी पहले वी बेानतहा मसरूफ की वजह से उसके बगैर अपने आप को रहने के अधिकार पाई पाई थी और पाकिस्तान चले जाने के बाद उसे जबराइल के बगैर भी रहना था वह चलते हुए कमरे में मौजूद सोफे पर जाकर बैठ गई इसे लग रहा था जैसे इसके सर में दर्द होने लग गया था सफर पर बैठते हुए इसे एक बार फिर इसका ख्वाब का ख्याल आने लगा इस ख्वाब के बारे में सोचते सोचते बुरी तरह ठटकी किताब के दास अब अब उसके अदासी उसका बढ़ापा किसी को याद करना उसे याद आया था इस किताब का हर बाब सिलार की ज़िंदगी के पाँच सालों पर मुश्तमिल था डॉक्टर ने सलार को सात से दस साल की ज़िंदगी की मोहलत दी थी और किताब का दसवाँ बाब पचास साल के बाद ख़त्म हो रहा था प्रेजिडेंट ने काफ़ी का खाली कप वापस मेज़ पर रख दिया पिछले पाँच घंटे में ये काफ़ी का आठवां कप था जो इसने पिया था इसने ज़िंदगी में कभी इतनी कॉफ़ी नहीं पी थी मगर ज़िंदगी में कभी इस इस तरह का फैसला भी नहीं करना पड़ा था वह आगे कड़ा गड़ा और पीछे खाई वाली सूरत हाल से दो चार था और अपने अहद सदारत से एक बहुत गलत वक़्त पर इसी ऐसी सूरत हाल से दो चार हुआ था कांग्रेस के इलेक्शन सर पर थे और ये फ़ैसला इन इलेक्शन के हार थी। लेकिन इस को ना करने थे। वो जितना टाल सकता था टाला, टाल चुका था जितना खेन सकता था खेल चुका था अब इसकी कोत बर्दाश्त और जया करने के लिए वक़्त नहीं था कुछ दबे लफजों में अपने नाजगी तो दे रही थी कुछ और शदीत रदल से इसे ख़बरदार कर रहे थे फारन ऑफिस से मुसलसल से अमेरिकी सफारत खानों के तकरीबन रोज़ाना के बनियाद पर आने वाली आने वाली खबरों के बारे में आगाह कर रहे थे और ख़ुद दो हफ्ते के बाद दौरान मुस्तकिल हॉट लाइन पर रहा था अमेरिका की बैनी पाई ए कलेक्शन हारने से ज़्यादा संगीन थी मगर इसके पास ऑप्शन ना होने के बराबर थे अपनी कैबिनेट के छः अहम तरीन मेंबर्स के साथ पाँच घंटों की तवील गुप्त शनिद के बाद वह से थक कर पंद्रह मिनट की एक ब्रेक लेने पर मजबूर हो गया था इस वक्त वह इस ब्रेक के आखिरी चंद कुछ मिनट जा रहा था टेबल से कुछ पेपर्स उठा कर वह दोबारा देखने लगा था वो कैबिनेट ऑफिस में होने वाली पाँच घंटे की तवील मीटिंग के हम मुनका थे इसकी कैबिनेट के वह छः मेम्बर्स दो बराबर ग्रुप्स में बटे हुए और दो मुखल लाइन के साथ थे वो टाई वो टाई और इसके कास्ट वोट से टोटल टूटने वाली थी और यही चीज़ से इतना बेबस का रही थी इस फैसले की ज़िम्मेदारी हर हाल में इसके सर पर आ रही थी ये इसके आहदारत में होता और इसके कास्ट वोट से होना होता अगर वो इसके ज़िम्मेदारी को वह लाखा कोशिश के बावजूद कहीं और मुंतकिल नहीं कर पा रहा था इसने हाथ में पकड़े कागजात को एक नज़र फिर देखना शुरू किया वो बुलेट पॉइंट्स इस वक्त हकीकतन इसे बुलेट्स की तरह लग रहे थे ब्रेक के आखिरी दो मिनट बाकी थे जब वो एक फैसले पर पहुंच गया था बाज़ा तारीख बनाने वाले के हाथों को खुद चकड़ कर खुद को बनवाती है तारीख सतारह जनवरी बीस सौ तीस को भी यही कर रही थी ह्याम ने पहली बार इस लड़की को सुडान में देखा था कैंप पर किसी पना गजीन औरत के साथ अशारा में बात करते और इसे कुछ समझाते वह पाकिस्तानी या इंडियन थी श्याम ने उसका नकोश और रंगत संदाजा लगाया था और फिर इसके गले में लटके कार्ड पर इसका नाम पाड़ कर इसका नाम पता चल गया था बेहद मामूली शक्ल सूर्त की एक बेहद दुबली पतली घने बालों वाली एक सांवली रंगत की एक दराज कामत लड़की इसका पाँच फुट सात इंच कद वह खासियत लगी थी इस पहली मुलाकात में ह्याम को वो एक औरत से बात करते है, करते हर शाम की तरफ मतवज़ा हुई थी और हाथों के इशारों से हेलो और हाल हवाल पूछ रहा था पूछ रही थी इस लड़की ने भी हाथों के इशारों से इसको जवाब दिया दोनों ने बेवकवा अपने गले लड़के को पोकड़ कर ऊपर कर करते हुए वरकर उस पर उंगली फेरते हुए जैसे खुद को मुतार कराए रश्मि तारफ और रेड क्रॉस दोनों वहाँ के हालात के बारे में इशारों में ही बात करने के बाद दोनों आगे बढ़ गए थे उनकी दूसरी मुलाकात दूसरे दिन हुई थी लकड़ी के आरजी बाथरूम्स की तनसीब तमीर वाली जगह पर वो आज भी उससे पहले वहाँ मौजूद थी और इस कुछ तस्वीरें ले रही थी वो कुछ सामान लेकर वहाँ आया था एक लोडर गाड़ी में लटके दोनों के एक बार फिर इशारों की जुबान में रश्मि अलैक्स की तीसरी मुलाकात लंबी थी वो एड वर्कर एक डिनर में मिले थे डिनर बाल के बाहर कॉरिडोर में दोनों दस मिनट अशियानों के जबान में बात कर रहे थे वो पाकिस्तान से थी वो बहरीन से और वो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था वो सिटी यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में वो फ्रांस का स्टूडेंट था और सोशल साइंस की और इन दोनों के दरम्या कामन चीज़ सिर्फ एक थी रिलीफ वर्कर जिसमें दोनों अपनी टीन एज से इन्वॉल्व थे इन दोनों का कॉरिडोर में एक्स्ट्रा इतना नहीं था जितना के में बहुत तफसीली हो थे, लेकिन शाम का दिल चाहता था वो इसे और भी सवाल करे वो कवता को तो कोई रखती तो वही कर लेता इसके साथ खड़े इसने सोचा ने इस शाम इतनी ही दिलचस्प लगी थी इस सिलसिला इससे पहले दोनों हमेशा की तरह मिलकर आगे बढ़ जाते इस कॉरिडोर से बहुत सारे गुजरने वाले एडवर्कर्स में से एक जो इन दोनों को जानता था उसने बुलंद आवाज में दो से मुखातब करते हुए हेलो कहा और साथ हाल वाल दिरफ्त किया दोनों बैक वक़्त उसकी तरफ मुखातब हुए उन्होंने बैक वक़्त उसकी हेलो का जवाब देते हुए जवाब इसकी खैर दिरफ्त की फिर दोनों ने बैक वक़्त करंट खाकर देखा और फिर दोनों कहका लगा कर एक दूसरे को देखा देख कर हंसते थे हंसते ही गए थे सुरख होते हुए चेहरे के साथ अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए उनके पास एक अच्छा तरीका कोई नहीं था उन दोनों का पहला तरफ खामोशी ने करवाया था और खामोशी हमेशा के हर जज्बे की आवाज़ बनी रही जैसे उनका साहब का सबसे दिलचस्प खेल था वैस वक्त यूनिवर्सिटी में भी आ गई थी आ गई ही थी मैं भी आगे मैं अभी गए ही थे शाम को हशाम को हैरत थी उनकी रिलीफ एजेंस मुलाकात इससे पहले क्यों नहीं हुई वो दोनों एक जैसी कसा, एक एजेंसी के साथ काम कर का रहे थे लेकिन इससे पहले वो सिर्फ अमेरिका के अंदर ही तूफ़ानों और सैलाबों के दौरान होने वाले रिलीफ वर्कर्स से मुंसलिक रहे ये पहला मौका था कि वो दोनों अमेरिका से बाहर होने वाले किसी रिलीफ में कैंप में कैंप में हिस्सा लेने के लिए गए थे न्यूयॉर्क वापसी के बाद इन दोनों का रबता आपस में ख़त्म नहीं हुआ था दो मुख्तलि यूनिवर्सिटीज़ में होने के बावजूद एक दूसरे से वक्ता फ़ोकान मुख्तलिफ सोशल एवंट्स में मिलते रहते थे क्योंकि वह दोनों मुसलमान थे तलबा तो की तनजीम से भी वस्ता थे और फिर यह रबता वक्ता फ़क्ता सोशल एवंट्स से हट कर भी होने लगा वो दोनों एक दूसरे की फैमिली से भी मिलकर मिल चुके थे और आप बहुत बाकायदगी से मिलने लगे थे दोनों के वालद एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते थे हर शाम अमेरिका में बहरीन के सफर का बेटा था बहरीन के सफ़ी का बेटा था और बहरीन के सफारत खाना में होने वाली अक्सर गैदरिंग्स में उसे भी इन्वाइट किया जाता था इसके माँ एक फ़लस्ती नसा, डॉक्टर थी इसका बाप अमेरिका के अलावा बहुत से यूरोपीय ममालिक में बहरीन की नुमाइंदगी कर चुका था दो बहन भाइयों में वो बड़ा था और इसकी बहन भी हाई स्कूल में थी रिलीफ वर्कर में दिलचस्पी में दिलचस्पी हश्याम को अपनी माँ से विरासत में मिली थी जो हश्याम के बाप से शादी से पहले रेड क्रॉस के साथ मुंसलिक थी फ़लस्ती में होने वाला लीफ कैंप्स में अक्सर इन आमदर्दी टीमों के साथ चली जाती थी जो अमेरिका से जाती थी शादी के बाद इसका वो काम सिर्फ फ़ंड्स इकट्ठे करने तक महदूद रह गया था मगर शाम ने अपनी माँ फातमा से ये शौक वरासत में लिया था और वाकत गुजरने के साथ साथ वो शौक़ बढ़ता ही गया था इस लड़की से मिलने के बाद इसे अपना शौक़ और जुनून बहुत कम और कम तर लग लगा था इस कम उम्री में जिन रिलीफ पर जॉक्स के साथ मुंसलिक रही थी बहुत कम ऐसा हुआ था कि रिलीफ ऑपरेशन के बाद बेहतरीन खदमात का सर्टिफिकेट हासिल करने वालों में से इसका नाम ना होता है इनसे मेल जल का आगाज़ होने के बाद शाम का अहसास हुआ कि इनके दरमियान इंसानियत की खिदमत का जज्बा एक वहाद का अमन चीज़ नहीं थी और भी बहुत सी दिलचस्पियाँ मुश्तरक थी सिर्फ दिलचस्पियाँ और मशागर ही नहीं खसूसियात भी दोनों किताबें पढ़ने के शौकीन थे और बहुत ज़्यादा दोनों को तारीख में दिलचस्पी थी दोनों फिर फिरने फराने के शौकीन थे दोनों बहुत ज़्यादा बातूनी नहीं थे सोच समझ कर बात करने के आदि थे हशाम की पूरी ज़िंदगी लड़कियों के साथ मखलूत तलीम माहौल और माशरे में गुजरी थी ना इन इसके लिए लड़कियाँ नई चीज़ थी ना उनसे दोस्त थी लेकिन जिंदगी में पहली बार वो किसी लड़की से मुतासर होकर उनकी तरह मतवा हुआ था इसका कभी कोई आइडिया नहीं रहा था लेकिन इनसे लड़कियों में जो चीज़ अट्रैक्ट करती थी इसमें से कोई भी चीज़ इस लड़की में नहीं थी ना वो हसीन थी ना स्टाइलिश ना ऐसे ज़हीन के अगला को चारों शान चित कर दे लेकिन इसके बावजूद इससे किसी मकनतीस की तरह अपनी तरफ खेंचती थी नज़र का फिलप एक जदीद अंदाज का चश्मा लगाए वो सादा सी जीन्स और ग्रीतियों में ग्री ग्रियों में अक्सर वाली लड़कियों के सामने हशाम को ज़्यादा आ, स्टीलो हील्स में बहुत सी फ्लोप प्रकशिश महसूस होती थी खुद में मगन दूसरों से बेनियाज कलर्ड गियों और शर्ट्स में सर के बाल जोड़े की शक्ल में बांधे अपनी लंबी पतली गर्दन को किसी राज हंस की तरह लहराती वह हमेशा इसे फ़ोन या टेबलेट हाथ में पकड़े अपने हाल में मगन मिलती थी इन बहुत सी दूसरी लड़कियों के बरक्स बहु बरअक्स हो जाती थी हशाम अरब था औरत अट्रैक्टिव जो इसे देखते ही बेहद अदाओं से बखूबी वाकफ़ होने के बावजूद अदाओं से गाल होने वाला लेकिन इस लड़की के पास कोई और सिरे से थी ही नहीं इसके बावजूद गाल हो रहा था मेरे माशरे में अक्सर मर्द किसी औरत के साथ कहीं जाते तो खाना खाने का बिल वो देता है औरत नहीं हश्याम ने पहली बार इसे कहीं खाने की दावत दी थी, थी और बिल की अदायगी का वक्त था इसे पर्स निकालते देख कर इसने बड़ी संजीदगी से रोकते हुए कहा था वो जबन मुस्कराते हुए पर्स से कुछ नोट निकालते हुए इसे बोली और मेरे बाप ने मुझे कहा था कि अपने बाप और भाई के अलावा किसी मर्द के साथ भी खाना खाते हुए अपना बिल खुद देना यह तुम्हें हर हर खुश फहमी और इससे हर गलत फहमी से दूर रखेगा इसलिए ये मेरे हिस्से का बिल इसे नोट मेज पर रखते हुए हशाम से कहा था मुस्कराई वो अब भी नहीं अब भी थीशाम चंद रमो के ला जो हुआ था वो बड़ा महंगा रेस्टोरेंट था जहां वो इसे लाया था और जब जब भी किसी लड़की का वहां लाकर बिल खुद अदा किया करता था उसे उस लड़की की तरफ से बेहद नाज बरा और मासनोई हैरत और गर्म जोशी से भारपुर शुक्रिया मशगूल होता था आज कुछ खुलाफे तो क्या चीज़ हो गई थी रेस्टोरेंट महंगा था मैं इसलिए यह कह रहा था वो जुमला अगले कई हफ़्ते शाम को अकेले में भी दांत पीसने पर मजबूर कर रहा था सर सर शर्म सारी मैं उसने ज़िंदगी भर कभी किसी औरत का भी ऐसी तरजीह नहीं दी थी शुक्रिया लेकिन मैं बहुत अमीर हूँ उस लड़की ने जॉबन मुस्कुराते हुए इससे कहा इसका मतलब है तुम मेरा बिल भी दे सकती हो वो पता नहीं क्यों कहने लगा था आ, बिल नहीं दे सकती लेकिन बिल देने के लिए उधार दे सकती हूँ उसने जवाबन इससे कहा फिर दे दो शाम ने उसे रानी से कहा सो वेरी काइंड ऑफ़ यू वो पहली बार उलझी इसे देखा फिर इसने अपने परस से बिल की बकाया रकम निकाल कर इसकी तरफ बढ़ाई है श्याम ने वो रकम पकड़ कर बिल पर रखते हुए फोल्डर बंद करते हुए वेटर की तरफ बढ़ा दिया इस लड़की ने इतनी देर में अपना बैग खोले और इसमें कुछ तलाश कर रही थी चंद लम्हे गोद में रखे बैग में हाथ मारते रहने के बाद उसने बनाकर एक छोटी डायरी निकाली और फिर इसके बाद पेन मेज़ पर डायरी रखकर इसने इस डायरी में उस रकम का अंदराज किया जिसने कुछ देर पहले हश्याम को डाल दी थी फिर इसने पेन और डायरी दोनों टाइपल के ऊपर से है शाम की तरफ बढ़ाई इसने कुछ हैरान होकर दोनों चीज़ें पकड़ी और फिर इसने कहा यह क्या है लेकिन सवाल के साथ ही इसकी नज़र डायरी पर डालते डालते ही उस रकम के सामने चाहती थी सिग्नेचर जो मिल गया था वह इसके जहाँ इसने दार दी जाने वाली रकम लिखी थी चाँद लमह के लिए इसकी शक्ल देख कर आ गया वह अपने ग्लासेज उतार कर इन्हें साफ करते हुए दो दोबारा लगा रही थी मामूल की तरह खुद में माह और उसे नज़रअंदाज किए हुए जैसे यह साहब एक रूटीन की बात थी श्याम ने पेन संभाल कर दस्तखत करने से पहले डायरी के सफ़े पलट कर बड़े तजस से लेकर महफूज होने वाले अंदाज़ में देखा वहाँ छोटी बड़ी रकूम की अकदार थी और लेने वाले सिर्फ़ एक ही शख्स था जिसका नाम नहीं था सिर्फ दस्तखत थे मुखलित लेकिन कहीं भी अदायगी वाले हिस्से में किसी एक रकम की भी अदायगी नहीं की गई थी हो हर चीज़ का हिसाब रखती हो कैलकुलेटेड मुझे अंदाज़ा नहीं था तुम इतनी डायरी पर दस्तखत करते हुए शाम का बयान नहीं रह सका कलेरिटी अगर मैं लिखूंगी नहीं तो भूल जाऊंगी और मामला में तो जरूरी होती है ना इस लड़के ने जो आप बंदा इतमान तो सर कहा वह आप उससे डायरी और पेन लेकर वापस अपने बैग में रख चुकी थी डायरी शायद तो लगता है तुम वाकई बहुत अमीर हो इतनी दरिया दिली से किसको कर्ज दे रही हो वो टेबल से उठते हुए शाम ने उसको खरीदा और बात गोल कर गई उनका तो इतनी बेतकल्फी नहीं थी कि मैं इससे ज़्यादा खरीदता मगर इस डायरी में किए हुए इस आदमी के दस्खत उसे याद आ गए थे वो इन दस्खत से तो अंदाज़ा लगा ही चुका था क्योंकि इस मर्द के दस्तखत थे एक हफ्ते के बाद उसने इस लड़की का वो वा कर्ज वापस करते हुए इसके डायरी की तहरीर से पेड़ में अदायगी के में अपने दस्तखत करते हुए एक बार फिर इससे डायरी उल्ट पलट कर देखी वह डायरी इस साल की थी और साल के शुरू से इस महीने तक किसी सफ़े पर कोई अदायगी नहीं थी लेकिन अंधार लेने वाले गिरफ्तार में तसलसल था छोटी बड़ी रकम लेकिन ला तो दाद बार इस साल तुम्हें कोई वापस करने वाला मैं पहले शाम ने <coughs> बड़े फखरे अंदाज़ में कहा इसने करा कर चला दिया नोट दोबारा वापस लिया नोटों का शाम का सामने किया अपने पर्स से चंद छोटे नोट निकाल कर शाम को वापस किए क्योंकि इसने राउंड फिगर में रकम वापस की थी छोड़ो इसे रहने दो शाम ने नोट वापस देने की कोशिश की इतनी बड़ी रकम नहीं है ये इसे जैसे लापरवाही से कहा काफी का एक कप और डोंट कप एक एक कप और एक डोंट आ सकता है एक वेफल आइसक्रीम आ सकती है एक बर्गर इसने बड़े इतमान से जो अपन कहा था वह तुम वाकई से ज़्यादा हँसा कब रखती हो मेरी माँ कहती है रुपया मुश्किल से कमाया जाता है इसकी कदर करने वा करते हुए इससे ख़र्च करना चाहिए इसने जैसे एक बार फिर हर शाम को लाजवाब किया था ज़रा सी शर्मिंदगी दिखाए बगैर क्या इस तरह तो तुम वाक्य बहुत अमीर हो जाओगी श्याम ने उसे कहा इन श्ला इस जवाबा ने इतने इतन से कहा कि हर शाम को हंसी आ गई थी हंसने के बाद हर श्याम को एहसास हुआ कि शायद ये मुनासब नहीं था क्योंकि वो इस तरह संजीदा थी तो मैं बुरा तो नहीं लगा इसने कुछ संभलते हुए इससे पूछा क्या मेरा हंसना नहीं मुझे क्यों बुरा लगेगा तुम क्या मुझ पर हंस थे हर श्याम ने सर खुजाया लड़की सीधी थी सवाल सॉल्टेरा था ये जिसको इतने उधार देती रही हो ये कौन है इसने भी इससे एक टेरा सवाल किया था है कोई एक बार फिर नाम बोल कर गई थी तुम नाम बताना नहीं चाहती वो कहीं बगैर नहीं रह सका नहीं वह नाम के लिए चुप रहा फिर इसने कहा बहुत ज़्यादा कर्जा नहीं हो गया इसके सर पर इसकी सुई अब भी वहीं अटकी हुई थी मैं उससे इनकार नहीं कर सकती हिशाम अजब तरह से बेचैन हुआ पैसे के मामले में किसी पर इतबार नहीं करना चाहिए शायद ज़िंदगी में पहली बार उसने किसी को ऐसा मशवरा दिया था पैसे के बारे में नहीं मैं वैसे भी वै, मैं वैसे ही एतबार करती हूँ उन पर उसने बड़े आराम से कहा था शाम के समझ में नहीं आया वैसे क्या कहे वो इसकी दोस्ती का था एक दूसरे की दादीत में दखल अंदाजी नहीं कर सकते थे इनके दरमियान ऐसी बेतकलफ़ी नहीं थी इस शख्स का तारफ भी है शाम से बहुत जल्द हो गया था तालियों के गुंज में हमैन सिकंदर की तकरीर का तसलसल को एक बार फिर तोड़ा था और रोस्टरम के पीछे खड़े चंद लम्हों के लिए रुक कर इसने तालियों के शोर के थमने का इंतज़ार किया वहाँ माई के स्टूडेंट का इजमा था माई के तौर पर बुलाया गया था पिछले साल वह कम्युनिकेट स्पीकर स्कूल सलोन स्कूल में शामिल था ग्रे आ, ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट के डिस्कशन के साथ निकलने वालों में से एक और मैनेजमेंट वह बहुत माइटी से खताब का रहा था आ, वो यहाँ एल वी वाई यूनिवर्सिटी नहीं थी जिसने इस साल इस एजाज के काबल समझा था चंद और यूनिवर्सिटीज़ ने भी इसे मधु किया था साल की उम्र में हमैन सिकंदर पिछले तीन सालों के दौरान दुनिया के बेहतरीन चौबीस में से एक माना जा रहा था उससे एक आइडिया की वजह से जो एंट्रप्र पिछले कुछ सालों में एक पेज से एक तनावर द्रहत की शक्ल तैयार कर चुका था इसकी डिजिटल फाइनेंस कंपनी ने पिछले तीन ट्रेड एंड आइडिया सालों में ग्लोबल मार्केट्स में धूम मचा रखी थी दुनिया के वन ट्वेंटी फाइव बेहतरीन मालियाती और कार्य इस कंपनी के बकायदा क्लाइंट्स से डेढ़ हज़ार छोटे अदारे और बिलवस्त की खिदमत से फायदा उठा रहे थे और यह सब तीन साल की मुख्तिर मुदत में हुआ था जब तलीम हासिल करने के साथ साथ इस कंपनी को बुनियाद रखने में भी मसरूक था इसे बेहद दिलचस्प और मुनफरा था और एक आम ट्रेड एंड आइडिया का कंसेप्ट जैसा लगा था डिजिटल गेम को इब्तदाई तौर पर किसी यूज़र का इसकी इब्तदाई हमें सिकंदर ने बेहद छोटे पैमाने पर की थी एक वेबसाइट पर इसने दुनिया से किस सौ बेहतरीन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को एक आन एक आन कार करने के लिए जिसके लिए इन्हें या ट्रेड लाइन चैलेंज दिया था ऐसा कोई आइडिया किसी आइडिया तो फांस चाहिए था किसी कंपनी को सपोर्ट और फिर वह अपना ट्रेडिंग ट्रेड करने के लिए तैयार थे लेकिन ट्रेड खास कीमत पर दोनों बेहद मुख्तफ थे उस वेबसाइट पर तीन कुइज थे कैटेगरी बी और सी कैटेगरी पर कौन में बीस सवाल थे वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन के लिए एक पासवर्ड ज़रूरी था जो इस क्विज में कामयाब होने के बाद भेजा जाता था और वही ट्रेड के आईडी डी नंबर टाइमिंग क्विज मुश्किल तीन था और अब नाक आउट के अंदाजे में एक कैटेगरी थे और ना ही उनमें टाइम इससे आसान था बी सी कैटेगरी नाक आउट होता था और ये इन इन कैटेगरी की वजह दर्जाबंदी थी जो वहाँ आने वाले मुखलिफ़ कैटेगरी में रख रखी थी बी के कोईज में हिस्सा लेना और जो बी कैटेगरी में आगे ना जा पाता वो ए थे ए थी जो आगे ना जा पाता उसे सी में और जो सी में भी आगे ना जा पाता वो वो कर दिया जाता है इस प्रोग्राम के साथ के कि आउट की तरफ ट्रेड एंड आइडिया के अभी से उसे सीखने की जरूरत है ट्रेडिंग उसका का काम नहीं एक कैटेगरी के कुछ कामयाब हो जाने वाले गैरमोली चलाए थे कि हामल अफराद एक पासवर्ड हासिल करने में कामयाब होते हैं फिर अगले करते हैं एक ऐसे ट्रेड सेंटर में जहाँ बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ के रजिस्टर कराने के बाद ऑनलाइन मौजूद आइडिया बेहतरीन दिमाग अपने अपने हवाले से बातचीत करते वो ग्रुप आइडियाज़ ट्रेडर्स के साथ आपने डिस्कशन भी हो सकती थी और ट्रेडर्स के आपस में गुफ्त शुनीद भी पहले हमारे हम सिर्फ पाँच बड़ी कंपनीज को इस बात पर आमादा कर पाया था कि वो कि वो सुने और इस पर उनसे आइडियाज़ लेकर आने वालों को आइडिया स्ट्रेट रूम में पसंद आ जाए तो इसके बाद इन्हें आइडिया बातचीत तय करने अगर उन्हें किसी का आइडिया पसंद आ जाता तो एक मखसूस फीस अदा करनी थी और अगर वहाँ कोई आ, टी ए आई करने या इस पर पार्टनरशिप करने आ जाता तो इसे ख़रीदने और इस पर तैयार होते तो भी इस फार्मूले के आ, ट्रेडिंग कैटेगरी में ही पेश आने वाले आइडियाज़ के तहत होती थी लेकिन वहाँ एक अजाफी चीज़ यह थी कि वहाँ अपने अपने इंटरेशिप के ज़रिए अपने पसंद के साथ वाले मुख्यमान के साथ कर सकते थे अगर ऐसी कोई आइडिया कोलाबोरेशन किसी एक ट्रेड एंड आइडिया को अमली शक्ल तक डाल देता तो कोलाबोरेट के लिए अभी इन्हें एक फीस चार्ज करना होता उस कॉलेबोरेट ट्रेड के लिए आने वाले ट्रेड उसी से भी आसान थी वहाँ सी कैटेगरी को अगर ट्रेड भी करा सकते थे यानी किसी भी ट्रेड को खरीदने की लिए लगता था तो कैश पसंद आता और इसे आइडिया दूसरे का प्रोजेक्ट आइडिया स्किल सर्विस के बदले कुछ और आइडिया तो वो फिर उससे पेश कर सकता था मैन सिकंदर का नाम दुनिया के किसी भी बड़े मालियाती कंपनी के लिए अब नया नहीं था नया नहीं, नहीं। के नए असूल लेकर आई थी और इन नए असूलों पर ट्रेड था उसकी कंपनी का काम कर रही थी अक्सर लोगों का ख्याल है मैं रोल मॉडल हूँ हो सकता है मैं बहुत सारों के लिए हूँ लेकिन खुद मुझे रोल मॉडल की तलाश कभी नहीं रही तालियों का शोर थम जाने के बाद उसने दोबारा कहना शुरू किया था रोल मॉडल्स और आइडलाइज किताबों में ज़्यादा मिलते हैं मेरे माँ बाप को हमेशा मुझसे ये शिकायत रही कि मैं किताबें नहीं पढ़ता वहाँ बैठे हुए स्टूडेंट्स में खिलखलाहटें उभरी थी और अगले एक नश्त पर बैठी इमामा भी हंस पड़ी थी मैंने अपनी ज़िंदगी में दिलचस्पी से सिर्फ एक किताब पढ़ी थी और वो मेरे बाप की आटो थी वो अभी बारह साल की उम्र में अपनी माँ के लैपटॉप में सामने वाली पर बैठी मामा का रंग फक हो गया वो वनसा यक हमसा यकदम बोल गई थी वो वह किताब है जिसका मैंने बार बार पढ़ा और वह वाह किताब है जो मेरे लैपटॉप में भी है मेरे बाप की आटो बेहतरीन बात यह है कि इसमें कोई हीरो कोई आइडल कोई रोल मॉडल नहीं है लकी। और इसे पढ़ते हुए मुझे हमेशा ये एहसास हुआ कि मेरा बाप कितना कितना होकर इसे जैसा नहीं बनना पड़ा और ज़िंदगी गुजारने के इंस्पायर के उसे किसी के डायरेक्ट उनके अपने असूल और फार्मूला उनके बचपन और जवानी को रहे वो कहता जा रहा था और वहाँ बैठे मामा अजब से शौक और शर्मिंदगी में करवाना नहीं चाहती थी सिर्फ पब्लिश बैठी थी वह किताब जैसे वह आज भी इसके लिए क्योंकि वह अपनी औलाद को इनके बाप के हवाले से किसी शर्मिंदगी में मुब्तला नहीं देखना चाहती थी वो किताब इसकी तीसरी औलाद बारह साल की उम्र में सिर्फ एक बार नहीं बार बार पढ़ता रहा था और इसकी एक कापी इसके लैपटॉप में भी चली गई थी और वह बेखबर मैंने इस किताब को पढ़ने के बाद यह तय किया था कि मुझे जैसा मुश्किल काम करके देखना है इंस्पायर जैसा आसान काम नहीं वो कह रहा था मेरा तारफ़ करवाते वक्त वो सारी चीज़ें गनवाई गई जिनसे आप जिनसे आप सब के सांस रुक जाएंगे आंखें जपकना बंद हो जाएँगी मूँखले वखले रह जाएंगे मैंने कभी उम्र में कि मैंने किस उम्र में क्या कर दिया और किस उम्र में क्या इस साल मेरी कंपनी में मैंने किस नंबर का टर्न और किया था दुनिया के दस बेहतरीन दुनिया की कौन कौन सी कंपनियाँ मेरी क्लाइंट्स हैं आप में से अगर कोई मुझसे और मेरी कामयाबी से मुतासर नहीं हुआ तो ये सब सुनकर भी मुझे हैरत होगी वो रुका जैसे मजमा की आंखों में आंखें डालते हुए इसने कहा जिनको सुनकर आपको फास्ट लेकिन इस तरफ में बहुत ऐसे मुझ में अपना आप या अपने आप में देखूँ देखने लगूँगा जैसे इस तरफ में मैंने हकीकत में शामिल नहीं लेकिन आज तक कोशिश के बावजूद कभी अपनी बहन से लिया गया कर्ज वापस नहीं कर सका मजमा में हल्की तालियों के साथ कहकर गूंज मैं बेहद संजीदा था लेकिन मैं एक दिन वो सारी रकम वापस करूंगा वो वादा जो मैंने आठ साल की उम्र से कर रहा हूँ जब मैंने इसे पहली बार कर्ज लिया था मैं कभी वादा पूरा नहीं कर सक सकता वो हंसते हुए मजमे के सामने बेहस संजीदगी से कह रहा था मेरी बहन के पास डायरीज का एक डेर है जिसमें उसने उससे उधार लिए जाने वाले एक एक सेंट का भी हिस्सा रखा हुआ है तालियों के शोर में रुका और हर अच्छे बिजनेसमैन की तरह मैं भी इतनी बड़ी रकम फौरी तौर पर किसी को नहीं दे सकता चाहे वो कर्ज़ा की वापसी ही क्यों ना हो बोल रहा था और मैं सुस्त हूँ ज़रूरतन झूठ बोलता हूँ चीज़ें अक्सर भूल जाता हूँ दोस्तों को मैं यूज़ करता हूँ इसके हर जुमले पर वो स्टूडेंट्स और प्रजर्श का डॉ दे रहे थे लोक स्टार डांस में तालीम बजा रहे थे जैसे कि सीम मोस्ट इंस्पायर पर्सन और इन तमाम खामियों के साथ भी मुझे अगर इंस्पायर के फैसल में रखा जाता है तो यह खौफनाक बात है खौफनाक इसलिए क्योंकि है कि हम एक ऐसे ज़माने में दाखिल हो चुके हैं जहाँ से कामयाबी हमें काबिल इज़्ज़त और काबिल रश बना रही है हमारी इंसानियत खूसियत खूबियाँ नहीं तारीख के शोर ने एक बार फिर उसे रुकने पर मजबूर किया था मजमा अब उसके सीन ऑफ ह्यूमर सेंस ऑफ ह्यूमर को नहीं उसके अल्फाज को सरा रहा था स्टूपिड को यह बात कहते हुए ग्रेजुएट स्टूडेंट के माइटी जो हमारे लिए रेफरेंड लगूँगी उन चीज़ों को चाहिए मैं दस साल का था जब मेरे बाप ने मुझे ज़बरदस्ती पाकिस्तान भेज दिया था मुझे और मेरी फैमिली को क्योंकि मेरे दादा को कोजाइम था और मेरे बाप का ख्याल था कि उन्हें हमारी ज़रूरत थी मैंने अगले छः साल अपने दादा के साथ गुजारे दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी मुझे वो तरबियत औरलम नहीं दे सकती जो अजाइम के हाथों अपनी याददाश्त खोए हुए इस पचहत्तर साल के बाद दादा ने दी थी बूढ़े ने अपने दस साल के पोते को दी तालियों ने तोड़ा था फिर उसके लिए खड़े हो जाने वाले हजूम ने अगले कई मिनट अपने हाथ नहीं रोके मैं हमेशा सोचता था कि इसका फ़ायदा क्या था मुझे अमेरिका में होना चाहिए था दादा के पास नहीं लेकिन फिर आता आस्ता सब कुछ बदलना शुरू हो गया मुझे उनके साथ बैठना बात करना सुनना इनकी मदद करना अच्छा लगने लगा दस साल का बच्चा कभी ये नहीं समझ सकता कि कोई इंसान सामने पड़ी हुई चीज़ का नाम कैसे भूल सकता है लेकर मैं यह सब देख रहा था और इसने जो भी है आज नो मुझे एक चीज सिखाई और आज का बेहतरीन होना चाहिए कल है हो सकता है आपको ना मिले इसलिए खत्म कर देती मजमा एक बार फिर इसके लिए खड़ा हो चुका था तालियां बजाते हुए मामा भी तालियां में जा रही थी मुस्कराह के साथ उसे देखते हुए उसे दाद देते हुए उसके ने उसे ऐसे बहुत से फ़खिरल हमें दिए थे बहुत सारे आता आ घर के सारे परिंदे उड़ गए थे जिबरा लनाया हम राइसा मगर हर चीज हर एक की परवाज़ शानदार थी वो जिस आसमान पर भी उड़ाए थे फातहाना अंदाज़ में उड़ाए थे आहिस्ता आता उस घर के सारे परिंदे उड़ गए जिबरा लनाया हम तुम समझदार हो गए हो या एक्टिंग कर रहे थे वहाँ से वापसी पर मामा ने उसे गाड़ी में कहा था वो ड्राइविंग करते हुए हंस पड़ा एक्टिंग कर रहा था ये तो जहर है गलत सवाल कर लिया आपने मुझसे आ, उसने माँ के बाद का जवाब में कहा था तुम बेहद खराब हो हमें और मामा को यदम या जैसे याद आया मैं भी सोच रहा था बाबा के ऑटोबायोग्राफी भी भूल गई कैस, कैसे भूल कैसे गईं मैंने माँ की तरह के इस जुमले पर बर रफ्तारी से कहा तुम्हें इसे नहीं पढ़ना चाहिए था मामा भी संजीदा थी आप ही कहती हैं किताबें पढ़ना अच्छी आदत है इसने माँ से कहा मैंने ये नहीं कहा था कि किताबें चोरी करके और बगैर चाजत पढ़ो मामा ने सो संजीदगी से डांटा ज़िंदगी में पहले और आखिरी बार कोई किताब चोरी करके पढ़ी है आपने आप नहीं हो रेडिंग के रेडिंग के बारे में उसने पेशेंस सर्दी रखे मैं बड़े इतमान से कहा मामा अगर उसे शर्मिंदा देखना चाहती थी तो ये उसकी हार बहाना था असलार का बेटा था तो लॉजिक गलत फहमी थी इसके पास हर चीज़ों की अफराद थी इसके पास मामा अब खाम ख्वाही परेशान होती रहती हैं हम बड़े हो चुके हैं आप हम हर बात आप हर बात हमसे राज नहीं रख सकती इसने माँ का कंधा थपथपाते हुआ जैसे उसे याद दिलाया बाकी दिन हो चुके हैं तुम नहीं हुए मामा ने उसकी बात का एक कान से सुनकर दूसरे से उड़ाते हुए कहा नहीं सुन सकी सुनी क्या उसने स्पीच uh, नहीं सुनी क्या आपने मेरी बेसाख्ता ऐतराज़ करते हुए कहा था अनाया ने लिखी होगी मामा ने कहा एक लम्हा के लिए वो स्पीच ला स्पीच वो लाजवाब हुआ और विंडो स्क्रीन से बात देखते हुए भी इसने मामा की चुपती नजरों का एहसास हो रहा था उसने बलाखान इतराफ़ किया शी जस्ट एडिटिड मामा ने जिताने वाले अंदाज में कहते हुए गहरा सांस लिया एज ऑलवेज लिखता रहा हूँ करता स्पीच करता रहा हूँ मैं सारी उम्र यू नो इट वेरी वेल यह मुश्किल नहीं है मेरे लिए मैं खुद भी कर सकता हूँ कार स्पीच सुन सकते हो वो बिल्कुल कर सकते हो लेकिन मैं ये नहीं कहूँ कि तुम्हारी तुम्हारे, तुम्हारे समझदार होने का यकीन कर लूँ मामा मजदीद कुछ कहने के बजाय खबगी के आल में खामोश हो गया और विंडो स्क्रीन से बाहर देखने लगी गुस्से में आप बहुत हसीन लगती हैं इसने यदम बड़ी संजीदगी से मार से कहा मामा ने गर्दन उसे देखा यह भी मैंने बाबा की किताब में कहीं पढ़ा था चैप्टर नंबर फाइव में नहीं शायद फ़ोर में वो अब अपना बाजू उसके कंधे के, के गद फुलाते हुए माँ को मनाने की कोशिश कर रहा था वाक्य लिखा है तुम्हारे तो बाबा ने मामा ने जैसे बेयकनी से से पूछा इसके बावजूद तो वो ये किताब दर्जनों बार पढ़ चुकी थी एडिट री एडिट कर चुकी थी इसके बावजूद एक लम्हा के लिए उसे वाक़ शैबा हुआ हाँ शैबा हुआ था कि आप एडिट आप लिखा तो नहीं लेकिन अगर आप कहें तो मैं इसको वैसे भी पता है मैं गलत बातों का चैम्पियन हूँ इसने बेहद इतमान से मां से कहा मंच पढ़ी वो वाक़ ये भी कर सकता था इसके लिए ऐसे इस शबा नहीं था हम कहीं मिल सकते हैं स्क्रीन चमकी कहाँ तहरीर उबरी जहाँ भी तो मैं आसानी हो मैं आ जाऊँगा जॉब आया अच्छा सोचती हूँ लफ्सों ने कहा वो खाना कबा के सामने खड़ा था अब वहाँ मकामी मुल्तम के सामने खड़ा था कितनी बार वो यहाँ आया था कितनी बार यहाँ आकर खड़ा हुआ था उसे अब गिनती भी भूल चुकी थी लेकिन हर बार की तरह उस बार भी वो वहाँ इसी हालत में खड़ा था हैबत के आलम में इज़्ज़ की कैफियत में दुनिया की कोई जगह सलार सिकंदर को मटी नहीं करती थी सिर्फ वो जगह थी जो इसे खा बना देती थी और वो खाक बनते ही वहाँ आता था हर बार अपनी औकात जानने और इसकी याद दहानी के लिए हर बार जब दुनिया उसे किसी चोटी पर बैठाती थी तो अपने फ़ख्र और तकबर को दफनाने यहाँ आता था आज भी यहाँ आया था बल्कि बनाया गया था खाना ख़ाबा का दरवाज़ा खोला जा रहा था सीढ़ी लगी हुई थी दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों से उसमें ख़तों से आए उन दस मुसलमानों में शामिल था जिन्हें खामा ख़बा के अंदर होने वाली सफाई की शादत के लिए चुना गया था और यह ये उसके हिस्से किसी नेकी के ना आया था उसे ये भी सम अभी तक समझ नहीं आ रहा था कर्म तो था ही तो वो था ही कर्म तो उस पर अल्लाह का हमेशा ही रहा था लेकिन इसके बावजूद तो अपने नाम माल में ऐसी कोई नेकी खोज रहा था जो ऐसे काम करने का बास बनी वह शाही खानदान का मेहमान बनकर पिछले सालों में कई बार उम्र के साथ साथल कर चुका था इमामा के साथ भी इसके बगैर भी मगर यह दावतनामा जो वहाँ से उसे इस बार आया था वह सलाहार सकंदर को किसी और ही कैफियत में ले गया था ऐसा नाम और इतना नाम ऐसा करम इतना करम खता कार गुनागार था ऐसा कर क्या कर बैठा था कि अब यूँ दरगुजर कर रहा था यूँ अता कर रहा था वो भी जो गुमान हम गिना आने वाली बातें हों इस दावतनामे को आँखों से लगा कर रोता रहा था क्या साफ़ करना था उसने वहाँ जाकर साफ सफाई तो उसके अपने अंदर होने वाली थी और होती रही थी इमामा बिहारी थी एक दूसरे कतार में उन अफ़राद के फैमिलीज़ के साथ वो उसे भी साथ लाया था और इसे रिश्क से देख रही थी इसके अलावा और क्या कर सकती थी उसके घर अमेरिका से आने वाला वो मेहमान इस बार इसके लिए ऐसी शहादत लाने वाला था इसका अंदाज़ा तो उसे था ही नहीं वे हमेशा सरप्राइज़ करता था बगैर बताया जाता था जब कभी इसे वक्त मिलता था दो दिन के लिए तीन दिन के लिए इस बार बड़े अरसे के बाद उसने मामा को अपनी आमद के बारे में पहले से बताया था तुम्हारे तो लिए एक सरप्राइज़ है इसने मामा से कहा था वो हमेशा की तरह सरप्राइज़ हो भूज गई थी ऐसा कभी नहीं होता कि इसने वो पहलियाँ ना बूझी जो सलारिस के सामने रखता था तुम तो मुझे उमरे पर लेकर जाओगे इसने कई अंदाजे लगाने के बाद इसे फ़ोन पर कहा था इसके हंसने पर मामा ने फातहाना अंदाज़ में कहा मुझे पता है लेकिन जिस शदत के लिए अल्लाह ने इस बार इससे बुलाया था इसका अंदाज़ा नहीं था वो इसे नहीं भूल सकी थी और जब उस सुबह उसने बराखर मामा को वह दावतनामा दिखाया तो वो गंग रह गई थी फिर वही हुआ था जो होता आया था जो होना था वो फूट फूट कर रोई थी तुम इसलिए रो रही हो कि दावत दावतनामा तुम्हारे लिए नहीं है असला इसके बहते आंसू रोकने के लिए जैसे इसे चढ़ा नहीं मैं सिर्फ इसलिए रो रही हूँ कि वहाँ आंसुओं के दरमियान रुकी अल्लाह तुमसे इतना प्यार क्यों करता है और फिर रोने लगी थी हसद नहीं है रश्क है तुम्हारा एसाज़ है लेकिन मुझे लग रहा है मेरे सर पर ताज बनकर सजा है वह आंसुओं के बीच कहती जा रही थी जो भी एजाज़ है तुम्हारी वजह से ही आए हैं मामा पहले भी अब भी कोई और ज़िंदगी का साथी होता तो ये सब ना होता इसने इसलिए जो अब ने इसे कहा था और अब खमना काबा के खुलते हुए दरवाज़े से वो सलार सिकंदर को सीढ़ियाँ चढ़ कर अंदर जाता देख रही थी वो अंदर जाने वाला आखिरी शख्स था मुआवजा ही था वो ज़िंदा था सेहतमंद तंदुरुस्त चाकतमंद इस उम्र में भी वो बीस बाईस घंटे काम करते रहने की सकत के साथ डॉक्टर कहते थे इसकी ज़िंदगी मुआवजा थी इसकी ऐसी सेहत ज़िंदगी मुआवजे से आगे कोई शतालीस साल की उम्र में इसे ट्यूमर हुआ था और अब वो साठ साल का था जो ट्यूमर उसे हुआ था वो साठ से दस साल के अंदर इंसान को ख़त्म कर देता था वो अठारह साल से ज़िंदा था हर छः महीने के बाद अपनी रिपोर्ट्स को देखता था और उसके दिमाग में जो ट्यूमर आज भी था उसी जगह पर उसी साइज़ में बस वो रब जो समुद्रों को बांध देता है उन्हीं के दूध से बाहर निकलने नहीं देता उसके सामने वो चंद मिली लीटर का एक नसुर कैशाया था मौत उसके बीच जिंदगी नहीं दुआ आकर खड़ी हुई थी और सरार सिकंदर को खाना काबा के अंदर दाखिल होते हुए भी ये याद था कि किसकी दुआ दुआओं की वजह से वहाँ आज भी अपने कदमों पर खड़ा था और अमाम आश्रम के अलावा किसी और की दुआएं हो ही नहीं सकती थी जो उसे ज़िंदगी बनकर जू लगी थी कितने साल से मैंने अपने लिए कोई दवा ही नहीं की जो भी दवा की है तुम्हारे और बच्चों से शुरू होकर तुम्हारे बच्चों पर ही ख़त्म हो जाती है जब तक मुझे अपना आप याद आता है मुझे दुआएँ ही भूल जाती हैं वो अक्सर उससे हंसते हुए कहा करती थी यूं जैसे एक माँ और बीवी की पूरी वो कहानी लिख देती थी देखो अल्लाह तुम्हें कहाँ से कहाँ बुलाते हैं कहाँ कहाँ दुआ करने का मौका दे रहे हैं यहाँ आए हो हुए अमामा ने बड़ी हसरत से इसे कहा था और अब खाना के अंदर खड़े वो इसे कहना चाहता था कि वो इसे जहाँ भी बुलाते हैं वो इसे हर जगह पर अमामा को भी याद रखवाता था जैसे उसे जता जताता और बताता हो कि किसी दर्जे वाली औरत का साथ अता किया गया था उस घर के अंदर की दुनिया और दुनिया थी इस कायनत का हिस्सा होते हुए वहाँ वह करोड़ों नहीं आए थे लाखों नहीं हज़ारों नहीं बस हर सदी में चंद सौ और एक सदी वो थी जब वो वहाँ अलैहि वसल्लम आए थे वहाँ की हर जगह हर दीवार पर उनका लम्स था फिर सैकड़ों साल बाद वहाँ सरार सिकंदर भी खड़ा था है बदना आती तो कैसे ना आती साफ़ करना था तो क्या चीज़ साफ़ करनी थी अपने वजूद के अलावा तो उसे वहाँ साफ़ करने वाली कोई शायद नजर ही ना आ रही आ रही थी तुम तो अंदर जाकर क्या मांगो सलार इसने खाना कब आते हुए इसे पूछा था तुम बताओ क्या मांगो सलार ने जो आपने उससे पूछा पता नहीं कुछ समझ ही नहीं आ रहा बोले लगी इस दावतनामे को देखने के बाद बार बार यही हो रहा था वो बार बार बात करते हुए रोने लगती थी जैसे दिल भर आता हो जैसे खुशी की हद ख़त्म हो जाती हो तुम सारे स्तूनों को हाथ लगा कर आना सारी दीवारों को उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी छुआ होगा किसी ना किसी को फिर तुम बाहर आओगे तो सबसे पहले मैं तुम्हारा हाथ छूंगी हो बच्चों जैसे अंदाज़ में कह रही थी और खाना कबा के अंदर उसकी दीवारों स्तूनों को आबे जमसम से धोते छोटे सलार सिकंदर को समझ आ गया था मामा आशम क्यों याद आती है ऐसी हर जगह पर क्यों दुआ वाली जगह पर सबसे पहले उसी के लिए दुआ करना याद आता था, था? क्योंकि वह के रसूल थी खालस इसका इश्क खालस था गर्ज के बगैर था कुर्बानियों से गंदा था यह कैसे मुमकिन था वहाँ से जवाब ना मिलता बुला दिया जाता उन्होंने अंदर जाकर मेरे लिए क्या मांगा इसके बाहर आने पर मामा ने अजीब बेताबी से उसे पूछा वो अभी उसके पास ही आया था उसके दोनों हाथ पकड़े वाबे उससे पूछ रही थी मांगा है कुछ बता नहीं सकता सलाह ने जो अपन अजीब मुस्कुराहट के साथ कहा था जब पूरी हो जाएगी तो आप फिर बताऊँगा उसने जैसे उसे अगला सवाल करने से रोक दिया था मैं जानती हूँ क्या मांगा है लेकिन मैं बताऊँगी नहीं देखती हूँ कबूल होती है तुम्हारी दुआ यह नहीं मामा ने जो अपन अजीब सी मुस्कुराहट के साथ उसे कहा था असफगी की मौत की इतला आयशा बेदीन को दुनिया जिब्राए बेदीन को दुनिया जिब्रायल चंदर की जिम्मेदारी नहीं थी इसके बावजूद इसके बच्चे की माँ से मिलने आया था आयशा बेदीन को देखते कुछ देर के लिए वो कंग हो गया था कुछ ऐसा ही हाल आयशा बेदीन का था वो दोनों कई सालों बाद एक दूसरे से मिले थे और मिलते एक दूसरे को पहचान गए थे और अब यह शिनाख्त जैसे उनका हल हलक का कांटा बन गई थी आयशा को यकीन नहीं आया था कि वह अमेरिका के बेहतरीन हॉस्पिटल में बेहतरीन डॉक्टर के हाथों में उसके बच्चे की जान जा सकती थी वो ख़ुद डॉक्टर थी असमन की चोट की नोईयत और संगीनी को जानती थी लेकिन वो खुद जिस हॉस्पिटल में रेजिडेंसी करा रही थी वहाँ उसने इससे भी ज़्यादा संगीन और पचीदा नोयत के आपेशन के बाद भी मरीजों को सेहत सेहतिया बोते देखा था लेकिन उसका अपना बेटा उन खुशकसम लोगों में शामिल क्यों नहीं हो सकता था उस सवाल का जवाब ऐशा अब्दीन ने ढूंढ लिया था वो एक लंबे अरसे तक उसे बूथ बंद कर चिमटा रहा था उसने गम को पहली बार मुजस्म हालत में देखा था उस शख्स की शक्ल में जो उसे उसके मताय हयात छीन कर जाने की खबर सुनाने आया था वो शख्स था जिसके साथ ने आयशा बेदीन को उस अजा में डाला जिसमें वो थी एक डॉक्टर की तरह जी से बताया गया था कि इस ऑपरेशन क्यों नाकाम हुआ अस्पद की हालत क्यों बिगड़ी क्यों नहीं संभल सकी इन तमाम तफीलत को दोहराते हुए जिब्राइल सिकंदर कला शोर में डॉक्टर विजल के हाथ की वह हरकत बार बार आती रही बार बार सर से झटकने के बावजूद वो एक बुत की तरह गुमसुम इसके बात सुनती रही जैसे वो इसके बेटे के बारे में नहीं किसी और के बारे में बात कर रहा हो आपके साथ कोई और है अपनी किसी बात के जवाब में एक मकमल खामोशी रखने के बावजूद जबराइल इसे एक बार फिर पूछे नहीं रह सका था उसे उस, उस वक्त नॉर्मल नहीं लग रही थी उसे एहसास हुआ था कि उसकी फैमिली में से किसी और से बात करनी चाहिए थी या अगर आप कर सकता था तो आप कर ले। आशा बदीन ने उसकी बात का जवाब में नफ़ी में सर हिला दिया जिब्रल उसका चेहरा देखने लगा था उसे समझ नहीं आया था कोई इससे अगला सवाल कैसे करे सवाल होने के बावजूद फैमिली नहीं थी तो कहाँ थी वो क्या सिग्नल प्रिंट के तौर पर असफन की परवरिश कर रही थी शोहर अगर नहीं भी था तो कोई और तो फैमिली में होता इनके मार बहने मजीद कुछ नहीं सोच सकता सोच सका आयशा ने यकद मुझसे कहा था आप जाएं मैं कर लूँगी सब कुछ उसके बाद जैसे किसी गहरे कुएँ से आई थी उसे पता था वो सब कुछ क्या था और जबराइल का भी अंदाज़ा था वो किस तरफ इशारा कर रही थी एक रोती बिलकती हुई माँ को तसली देना आसान काम था लेकिन बजहर होश होवाश में नज़र आती है गुम खामोश गुमसुम माँ को तसली देना उसकी समझ में नहीं आ रहा था वो सिर्फ चंद मिनटों के लिए उस बच्चे को फैमिली से मिलने आया था और अब ये मुलाकात ख़त्म करना उसके लिए पहाड़ बन गया था उसका ज़िंदगी में पहली बार किसी मरीज़ को मरने नहीं देख मरते नहीं देखा था लेकिन किसी बच्चे को पहली बार मरते देखा था आयशा अभी दिन से मिलकर उसका रंज कुछ और बढ़ा था इस ऑपरेशन को नहीं कर रहा था ना ही वह की मौत का ज़िम्मेदार था इसके बावजूद यह एहसास इसका साथ छोड़ने पर तैयार नहीं था कि इस ऑपरेशन में डॉक्टर विजल से कुछ गलती हुई थी ऑपरेशन के फ़ौरन बाद डॉक्टर विजल और इसकी बातचीत नहीं हो सकी थी वजीब इस तरह परेशानी के आलम वहाँ से गए थे सब का अंदाज़ा था वो इस आखिरी ऑपरेशन की नाकामी से अपसेट हुए थे और सिर्फ जबराइल था जिसका ख्याल था वो खुद भी अपनी गलती का अंदाज़ा लगा चुके थे लाकाना भी सूरत हाल के दरमियान फंसा खड़ा था ज़मीर के चुबन इंसान नहीं हमदर्दी लेकिन इसे बढ़कर शनासाई का वार्ड पुराना तलब जो इसके और आया आबीदीन के, के दरमियान निकला था कोई दोस्त है यहाँ आपका जिन्हा इसके करीब बैठ गया इससे अभी तक ये अंदाज़ा नहीं हुआ था कोई इसे पहचानती है या नहीं उसे सूरत हाल में अपना तार्फ़ करवाना चाहिए या नहीं नहीं आया ने सर जि उसे देखे बगैर कहा वो अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रखे उन पर नजर जमाए साथ जो काय बैठी थी जिबरायल उसके बराबर वाली कुर्सी पर बैठा हुआ था इसने बड़ा नरमी से आयशा का एक हाथ अपने हाथ में लिया आयशा ने अजब वहशत बड़ी नजरों से उसे देखा था मेरा ख्याल है हम एक दूसरे को जानते हैं उसका हाथ बड़ी नरमी से अपने दोनों हाथों में लेते हुए जिब्राइल ने इसे कहा था वैसे लाना नहीं चाहता था लेकिन इसका चेहरा देखते हुए इससे अंदाज़ा हुआ था कि इसे इस वक्त वो फूट फूट कर रोने की ज़रूरत थी सख्त है कि वो काफ़ियत गैर फित्री थी मैं ज़िब्राइल सिकंदर हूँ निशा का क्लास फेलो और दोस्त मुझे बहुत अफसोस है कि हम असफन को नहीं बचा सके वह मदम आवाज़ में उसका हाथ रखते हुए कह रहा था आयशा ने गर्दन मोड़ कर भी उसको नहीं देखा था अब इस वक्त किसी को पहचानना नहीं चाहती थी खास तौर पर, पर साथ बैठे हुए शाह को मुझे बताए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ हैरत ने जबराइल ने इसके हाथों की ठंडक महसूस की थी यूं जैसे इसने बर्फ़ को हाथ में ले लिया था वहाँ का टम्परेचर भी आयशा अब के वजूद की ठंडक को गायब करने में नाकाम हो रहा था मेरी वजह से अपना वक्त ज़ाया न करें प्लीज़ लीव मी अलॉन डॉक्टर हैं किसी आप और कब की जरूरत होगी इसने जिब्राइल के हाथों से अपना हाथ खरीदते हुए रुक कर इससे कहा था वो अब अपने दोनों हाथ अपने गुटरों के बीच दबा कर बैठ गई थी यूं जैसे ये चाहती हो कि कोई कोई बैठे अपने वजूद को इसका हाथ पकड़े इसे तसली देकर किसी चौधों के पंजों पर टकाए वह तो आगे पीछे झूल रही थी जैसे किसी गहरी सोच में किसी जहनी इंतजार में सोच को ले खा रही हो वह तो पहली बार था कि जिबर आशा बिदीन को गौर से देखा था बेहद हैरानी के आलम में सिया सिया ही जैकेट में मलबूस गर्दन के गर्द एक ग्रे रंग मफर ले बैठे उसकी हम उम्र वो लड़की अब उसकी हम उम्र नहीं लग रही थी इसके कंधों से नीचे तक लहराती सिया चमकदार बालों में सफ़ेद बाल थे इसकी रंगत दर्द थी और आंखें सुरख यूं जैसे वह आदि रोने वालों में से थी या फिर सारी सारी रात जाने वालों में से उसके सर पर वह हजाब भी नहीं था जो सालों पहले उसके पहचान था डॉक्टर नरिन अलह के ख़ानदान में वह हज लेने वाली पहली और वहद लड़की थी वो बेहद अच्छी ख़ानदानी अकदार रखने के बावजूद जबरा जानता था कि निसार और इसके ख़ानदान का रुझान मज़हब की तरफ नहीं था सिर्फ आयशा अब दीन थी जो महबी रुझान और बेहद वज़ा तौर पर ऐसी ही पहचान रखती थी इसकी वजह शायद उसका पाकिस्तान में क्या होना था यह जिब्रायल का अंदाज़ा था आयशा से उससे कभी इतनी तफसी मुलाकात नहीं हुई थी कि उसे इसकी शख्सियत का सही अंदाज़ा होता वो जिस उम्र में इससे मिला था और टीन नहीं थी और इस उम्र में इससे बात बात पर मुस्कुराने और ब्लश करने वाली वो लड़की अनाया और रईसा जैसी लगी थी इसने इससे ज़्यादा गौर इसमें पर नहीं किया था कि इसके बावजूद कि वो इस फेसबुक पर मौजूद थी और कभी और तस्वीरों को लाइक करती नजर आती थी फिर वो गायब हो गई थी और इसे निशा से पता चल गया था कि मेडिसन के तरीम के दौरान ही उसकी शादी हो गई थी और इस वक्त ने मुबारकबाद का मैसेज उसके वाल पर लगाना चाह तो मैं नहीं थी आयशा अब से उसे पता चला कि अभी इसके पहला तारफ बस यही तक रहा था बहुत जल्द मुस्लिम मेट्स के हॉस्पिटल में चले गए थे इन दौर के दरमियान एक दोस्त और क्लास फैलो के तौर पर मौजूद रिश्ता भी कुछ कमज़ोर पड़ने लगा था निसाब कहीं थी और जिब्राइल अपने प्रोफेशन में बेहद मसरूफ़ जिब्राइल ने इसके बाद कर जो है हमें कुछ कहने के बजाय अपना सेल फोन निकाल कर इससे निसाब का नंबर ढूंढने की कोशिश की चंद न में इसे नंबर मिल गया क्या मैं निसाब को फ़ोन करके बुलाऊँ इसने आयशा से कहा नहीं जिब्राइल ने इसका चेहरा देख कर रह गया वो अजीब थी यह हो गई थी जिब्रायल के समझ में नहीं आया फिर यह सदमा था यह जिससे इसे यूं हल कर दिया था जिब्राइल को लोगों पर तरस आता था हमेशा ही हमदर्दी इसकी गुट्टी में थी लेकिन इसके बावजूद वो एक मरूफ़ डॉक्टर था एक एक मिनट देख कर चाहने वा चलने वाला इसने वहाँ बैठे बैठे सोचा था वो हॉस्पिटल के मुतलक शोबे से किसी को जहाँ बेचता है ताकि वह आयशा बेदीन की मदद करे और इसकी फैमिली को दूसरे अफराज से रबता कर सके वो ठंडला हुआ था जब इसने आयशा बेदीन की आवाज़ सुनी थी आपको पता है मेरे साथ ये सब क्यों हुआ वो रुक कर इसे देखने लगा व इसकी तरह मतवज़ा नहीं थी लेकिन खुद कलामी के अंदाज़ में बोल रही थी क्योंकि मैं अल्लाह के नाम फरमान औरत हूँ अल्लाह ने मुझे सजा दी है एहसनसाद ठीक कहता है जबराइल उसे देखता रह गया आशा अब ने जैसे वो बेवजह बोझ उतार कर इसके सामने फेंकने की कोशिश की थी जो इसके लिए आज़ार बन गया था एहसनसाद कौन था जबराइल नहीं जानता था वो इसके बारे में जो कहता था जबराइली इसकी वजह से भी नावाकफ था मगर उसके दौर जमल इस दिन इसके पैरों के जंजीर बन गए थे गाड़ी बाल हर पोर्च में आकर रुकी और अंदा अंदर से मामा बड़ी तेज़ रफ्तारी से बाहर निकली थी गाड़ी तब तक रुक जाती और इसके अगली सीट से आरक उतर रहा था पहली नज़र में मामा उसे पहचान नहीं सकी वह वाक़ बदल गया था लंबा तो पहले भी था लेकिन अब वह पहले की तरह बहुत दुबला पतला नहीं रहा था इसके हाथों में दो गुलाब की कलियाँ और चांद सब्ज शाखों का एक छोटा सा बुके था हमेशा की तरह मामा को याद था वह बचपन में भी अक्सर ऐसे ए, इसी तरह एक फूल और दो पत्तों वाली शाखें अक्सर देता था जब भी इसे किसी खास मौके पर मिलने आता तो अब दफ़ा को बुरा गुलदस्ता इसके गार के नाम से ही बनाया गया होता था एरक इससे सलाम के बाद गले मिलने के लिए बेख्तियार आगे बढ़ा फिर जीम कर ख़ुद ही ठटका शायद इससे कोई ख्याल आ गया था हिमाम ने आगे बढ़कर थपकने वाले अंदाज़ में उसके गर्दन गर्द बाजू फैलाया था मैं तुम्हें तो पहचान ही नहीं सकी तुम बड़े हो गए हो बहुत बदल गए हो इसने एरक से कहा मुस्कराया लेकिन आप नहीं बदली अब वैसी ही हैं वो हंस पड़ी थी सुनने में कितना अच्छा लगता है कि कुछ नहीं बदला हालांकि सब कुछ बदल गया है मैं भी बूढ़ी हो गई हूँ वो हंस रही थी आप शायद बदल गई होंगी एरक ने बर्दस्तगी से डेफिनेशन बढ़ापे की कहा वो फिर हंस पड़ी यह आपके लिए आरक ने इसे छोटा सा गुलदस्ता थमाया था तुम्हारी आदतें नहीं बदली लेकिन फूल बदल गया है मामा ने गुलदस्ता हाथ में लेते हुए कहा क्योंकि मुलक बदल गया है इसने दो बदू कहा हाँ ये भी ठीक कहा तुमने सामान कहाँ है तुम्हारा मामा को जो एकदम ख्याल आया वो गाड़ी में ऐसे गुलदस्ता और एक छोटे बुके के अलावा खाली हाथ तो उतरा था होटल में मैं वहीं रहूँगा बस आपसे जरूरी मुलाकात करनी थी इसलिए आया हूँ आरक ने इसके साथ अंदर जाते हुए कहा पहले तो हम हमेशा हमारे पास आया करते थे और यहीं रहते थे इस बार किसी और के पास आए हो क्या मामा को लगता था वो शायद पाकिस्तान अपने किसी प्रोफेशन काम से आया था नहीं किसी और के पास तो नहीं आया लेकिन बस मुझे लगा इस बार किसी होटल में रुक भी देखना चाहिए वो बात गोल कर गया था वो लंच का वक्त था इसे सुबह जब फोन पर इसके मुलाकात के लिए बात की थी तो मामा ने लंच के खाने पर खास अहतमाम किया एरक को जो दो चीज़ें पसंद थी उसने बनवाई थी अरक ने इसके हाथ साथ बातें करते हुए बड़े शौक से खाना खाया था लंच के दौरान गपशप में एरक और इसके दरम्या हर एक के बारे में बात हुई थी सोया नाया के अरक ने इसका जिक्र तक नहीं किया था और मामा ये बात नोटिस की थी हौसला अफजा थी ये बात लेकिन पता नहीं क्यों इसे गैर मामूली लगी थी और इसकी छट्टी ही इसने इसका जो सिग्नल दिया था वो ठीक था लंच के बाद चाय का आखिरी सिप लेकर कप रखते हुए अरक ने अपने बैग से एक लफाफा नाल कर इसके सामने रख दिया हे hey मामा आपने अभी चाय पी रही तो बुरी तरह ठटके दी ये क्या है आप देख लें इसे इसने कहा